पिछले कुछ दिनों में बिग बॉस के घर में काफी कुछ देखने को मिल रहा है। पहले अर्चना और शिव ठाकरे की लड़ाई और अब एमसी स्टैन और शालीन भनोट का झगड़ा। सारी लड़ाई में कॉमन रही प्रियंका चहर चौधरी। पहले वो अर्चना का साथ दे रही थी और अब वो शालीन भनोट की तरफ से लड़ रही हैं। जबकि इस बारे में बिग बॉस से वो ताने भी सुन चुकी हैं, लेकिन वो सुनने वालों में से कहां हैं। खैर, अब मराठी बिग बॉस सीजन 2 के विनर की बहन मनीषा ठाकरे ने मीडिया से बात की है और उन्होंने प्रियंका को इनसिक्योर बताया है। दरअसल जब अर्चना और शिव वाला पंगा हुआ था तो सलमान शिव की जमकर क्लास लगाई थी। होस्ट ने कहा था कि शिव ने पूरी प्लानिंग के साथ अर्चना को उकसाया था। इसके बाद अर्चना को दोबारा घर में लाया गया था। अभी टाइम से खास बातचीत में शिव की बहन मनीषा कहती है, जिस तरह से शिव का मुद्दा वीकेंड पर उठाया गया, हम लोग उससे थोड़े दुखी थे। पूरा गेम एक दूसरे को उकसाने भड़काने का ही है। सलमान सर के मुताबिक किसी को बाहर का मुद्दा नहीं उठाना चाहिए और शिव ने भी अपनी गलती मानी। शालीन और शिव के बीच कमरे के अंदर जो भी बात हुई उसमें शालीन ने मेरे भाई से कहा कि केवल वो ही अर्चना को चुप करा सकता है, क्योंकि वो उसके ट्रिगर पॉइंट को जानता था। शिव ने वैसे मस्ती में कहा था उनकी उसको एग्जीक्यूट करने की कोई भी प्लानिंग नहीं थी। वाले बात समझ आ चुकी है कि मनीषा जो शिव की बहन है वो कुल मिलाकर शिव को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही हैं। मनीषा ने आगे कहा, लड़ाई के दौरान ये भी बोला गया कि शिव ने अर्चना का हाथ भी नहीं पकड़ा, जबकि आप क्लिप देखेंगे तो पाएंगे कि वो छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, उसने बस धक्का नहीं दिया जिसकी तारीफ होनी चाहिए। मनीषा का कहना है कि मुझे इस बात का यकीन नहीं है कि जिस तरह अर्चना को फिजिकल वायलेंस के बाद घर में दोबारा मौका मिला है, वैसे शिव या किसी और को मिलता या फिर मिला होगा। बिग बॉस से जुड़ी हर खबर पर हम आपको अपडेट देते रहेंगे, लेकिन तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।